अकबर बीरबल हरे घोड़े की कहानी। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे की सैर के लिए निकले। वह बगीचा बहुत ही शानदार था, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने का सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल हमारा मन है कि इसे हरे भरे बगीचे में हम हरे घोड़े में बैठकर घूमें, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें, इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल है। कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है।